हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साउथ इंडियन स्टाइल नारियल की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी, जिसको आप स्टोर करके 5 से 6 दिन तक रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और ये सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए ले रही हूँ मैं कढ़ाई के अंदर ऑयल। ऑयल गर्म होते ही हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप चना दाल। ऑयल हमने हल्का ही गरम लिया है और अच्छे से इन सबको हमें रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है। बस इस बात का खास ध्यान देना कि ये बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए या फिर ये एकदम भी रेड नहीं होनी चाहिए। हल्का इसका सुनहरा कलर हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे मूँगफली के दाने। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप चना दाल ली है, तो हम यहाँ पर 1/4 कप ही मूँगफली के दाने डालेंगे और इन सबको हमें क्रिस्पी होने तक अच्छे से सौते कर लेना है। मूंगफली से चटनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्ची। तो जितना आपको स्पाइसी पसंद हो उस हिसाब से डालना। तो मैंने ये 3 से 4 हरी मिर्ची डाली है और इसी के साथ इसके अंदर डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ता और अच्छे से इन सबको सौते कर लेना है। कड़ी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश नहीं हो तो आप यहाँ पर सूखे या फिर कड़ी पत्ता का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कड़ी पत्ता डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चटनी में सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट ही कड़ी पत्ता से आएगा। इसी के साथ इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक। तो 2 इंच की मैंने आधा इंच की 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं और इसी के साथ मैंने लिया है इमली। इमली भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसके अंदर और अच्छे से इन सबको हमें एक बार सौते कर लेना है और फिर उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे नारियल। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश नारियल लिया है और अच्छे से इन सबको हमें भून लेना है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है, सूखा नारियल है, तो आप उसको थोड़ी देर पानी में भिगोकर फिर उसके बाद में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बनाते हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छे से इन सबको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर सौते कर लेना है और फिर उसके बाद में हम इसे ठंडा होने पर मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी के साथ इसके अंदर डालेंगे हम लोग हरा धनिया और अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर उसके बाद में हमें इससे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमारी चटनी पीस कर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी थिकनेस हमें इसके अंदर रखी है और अब इसके ऊपर हम लोग ऊपर से वगार दे देंगे। तो ऑयल के अंदर मैं राई, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हींग डालकर अच्छे से इसके ऊपर वगार दे रही हूँ। अगर आपको इस चटनी को स्टोर करना है तो आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसे अच्छे से रख कर उसके बाद में इसे फ्रीज के अंदर हफ्ते भर तक स्टोर करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी नारियल की चटनी, जिसको आप इडली, डोसा या फिर उत्तपम किसी भी साउथ इंडियन रेसिपी के साथ सर्व करते हो, सभी में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, फैमिली और फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।